बहुत स्वाद है, है? मम्मी हंसती है मेरे पे जब मैं कहता हूँ हैप्पी बर्थडे। मैनू नहीं मजा आंदा जे। अरे उठाने को थोड़ी बोला था। इतना अच्छा सुबह मैच हुआ है ना इंडिया साउथ अफ्रीका, मेरे को आज डर था आज इंडिया का असली टेस्ट होना है। मैंने लाइफ में इंडियन टीम ऐसी नहीं देखी। बड़ा मतलब रब का शुक्र है कि हम अपनी लाइफ टाइम में इंडिया को लीथल देख पा रहे हैं। ऐसी टीमें तो मतलब ऑस्ट्रेलिया की होती थी जो मतलब ऐसे बॉलिंग आ रही है, ऐसे स्विंग हो रही है बोथ वेज, दिमाग से क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब आई एम सो हैप्पी दैट वी हैव विटनेस्ड अ मास्टर क्लास। विराट कोहली, आई डोंट लाइक हिज एटीट्यूड दैट मच, बट टैलेंट तो फिर बहुत तगड़ा है। टैलेंट इतना है कि आज उसने आधी इनिंग्स में, सचिन ने डबल इनिंग्स में बनाए 49 सेंचुरीज, उसने 49 की बराबरी करी है उससे आधी में। विद दैट नोट, वेलकम टू अनदर वीडियो जी एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। मतलब मजेदार यार, अब आखिरी के 2-3 मैच रह गए हैं, जीत के इस बारी कप लेके आना है भाई। इस बारी ऑस्ट्रेलिया, इस बारी जो है ना डरना नहीं, कप लेके आना है भाई भारत ने, तो बड़ी होप्स हमारी अलाइव है। मन्ने जी का बर्थडे वाले दिन आज विराट कोहली ने रिकॉर्ड जो है बराबर किया है। बड़ा ही शुभ दिन है आज। मन्ने का भी बर्थडे था, कोहली का भी बर्थडे था। मन्ने जी का गिफ्ट मिला। मन्ने दोनों के एटीट्यूड प्रॉब्लम दोनों में है, यहीं से आ रही है एटीट्यूड प्रॉब्लम दोनों में है, बट टैलेंट भी है वो। चलो कोहली के लिए तो कह सकते हैं, मन्नू के लिए मेरे को पता नहीं अभी बताएगा कर, चलो तो कि टैलेंट है कि नहीं है। तो आज आपको मन्नू से रूबरू कराएंगे, उसका बर्थडे आज, और काम इतना है कि खत्म ही नहीं हो रहा। कल से इसने मेरी ना बामें टांगे दर्द हो रही है, इतना काम कर रहा है। कौन कह सकता है कि कल मैंने पत्तियां उठा दी थी, वो देखो हालत। यहां से मैं बाहर जाता नहीं ना, अच्छा हमारा तो ये पत्तियां फिर से इतनी गिर गई हैं। लेकिन अगर ये भी ना उठाते तो काफी ज्यादा हो जाती, तो अच्छा किया मैंने कल उठा दी। इनको यकीन नहीं अभी हो रहा कि मैंने मतलब पत्तियां उठाई हैं। मैंने वीडियो बनाई है, जब ये एडिट करेगी इसको तब पता चलेगा। कैरियर लग ही नहीं रहा तूने पत्तियां उठाई है। मैंने सामने ही बोल दिया था कि मेरी कहती है अच्छा अभी थका हुआ है तो तूने क्या किया है, पत्तियां तो उठी नहीं। मैं क्या पत्तियां उठी है जो, और ड्रम भर के उठी है, ड्रम भर मेरे पास सबूत भी है ड्रम। ठीक है बिलीव यू, बट अभी तो बहुत गिरनी थी। पोस्ट मैच एनालिसिस में देख रहा था बैठ के, इससे बर्दाश्त हुआ नहीं। कहती है सब काम हो गए तेरे, अब काम बता देंगे राइट अवे। लिस्ट बनाने का कितना फायदा हुआ है, लिस्ट में कट गया सारा कुछ, सब कुछ। अब आटा चावल आखिरी काम है जो मैंने इसमें डालना है। दे पुत्र मैं डाल देता हूँ, आप कंघी करा लो। आखिरी नहीं है, आखिरी तो नहीं है। हाँ वो एक चीज है बड़ी इम्पोर्टेंट जो आप भूल रहे हैं। अब मैं कुछ नहीं कर रहा नहीं, आप मेरे को अब नहीं, आज नहीं कल, मैं अगले हफ्ते कर दूंगा। अगले हफ्ते तो दिवाली है, तो क्या हो गया, दिवाली वाले दिन कर दूंगा सवेरे सवेरे। सजो हुए घर में कोई मिट्टियां साफ करता है, मैं कर लूंगी वीक में। ओके थैंक यू। ये देखो डॉसी के ना दो परफ्यूम्स आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस, जो मैंने पर्सनली चूज करे और मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं। दे सेंट मी दीज टू परफ्यूम्स, आई चोज दीज फ्रेग्रेंसेस इन पर्टिकुलर विच इज फ्लोरल रोज एंड फ्लोरल लैवेंडर। These are very mild fragrances and क्योंकि strong perfume apparently मेरे घर में जो लोग हैं ना, जो कैमरे के पीछे हैं और जो एक हमारी बच्ची है, वो दोनों को भाई strong perfume बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि इनको सरदर्द हो जाता है and it just you know they just feel like मत लगा हटा दे and तबीयत खराब हो जाती है इनकी। So and obviously बहुत जगह पे ना scent free environment होता है, कई जगह in offices and in places where you go not everybody prefers a very strong fragrance smell। तो बहुत अच्छी light है, they are very nice, I like the bottles which are very beautifully crafted। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जरूर जाके ट्राई करना। एनी वुमन लाइक्स परफ्यूम्स एज गिफ्ट एंड स्पेशली फेस्टिव सीजन आगे आ रहा है, दे आर वेरी ऑप्टिममली प्राइस्ड, सो गो एंड चेक देम आउट, इट्स वेरी नाइस परफ्यूम्स। आई एम डेफिनेटली गोना यूज देम एंड दे आर वेरी फ्लावरी स्मेल, तो मुझे अच्छी लगती है लाइट फ्रेग्रेंस, सो आई एम गोना गिव इट अ ट्राई। डू चेक देम आउट, दे आर ब्यूटिफुल परफ्यूम्स फ्रॉम डॉसिए। टिल्डा बेस्ट चावल, शेर बेस्ट आटा, फाइबर वाला होल व्हीट आटा एंड चावल, दे हैव नाउ गॉन इन हियर एंड हियर एंड व्हाई आर यू सिटिंग ऑन द फ्लोर रेडी। इनको वापस रखें अब, उठाओ क्या उठा सकते हो आप, नथिंग। चलो चलो जी खुद ही उठाएं फिर। अब आटा चावल ना जितनी मर्जी सावधानी से डाल लो, कुछ ना कुछ तो गिरता ही है। मन्ने के घर जा रहे हैं, उसको हैप्पी बर्थडे करने। हैप्पी बर्थडे है मन्ने का आज, और अगले हफ्ते किसी का है हैप्पी बर्थडे।
मेरा है जी, मेरा है, किसी का क्या है, मेरा 40 साल का हो जाना, हमने 40th बर्थडे है मेरा, 40 गिरना बनाया लेकिन पिछले बर्थडे पे भी मेरा, एक्चुअली पिछले बर्थडे से इस बर्थडे तक ना मेरा जो वक्त ऐसे ही निकला थोड़ा सा, बीमारी बीमारी आ लाई, होपफुली दिस इज द एंड, बट आई हैव अ सीट। आपको परमात्मा बहुत अच्छी सेहत बख्शे एंड आप कभी फिर से बीमार ना पड़ो। थैंक यू, वी कैन गो प्लेसेस। और लोग इतना प्यार करते हैं, आपकी दुआएं हैं। क्या कहने लगा था यार, ये ना बुला देते हैं मेरे को बातें, चलो याद आएगा फिर बता दूंगा। क्यों चल गया तू, हाय हाय हाय, बंद हो जा बेटा, तेरी जरूरत ही नहीं। बड़ा मजा आया, मैंने गैराज का दरवाजा बिना हीटर बंद करे नहीं खोला, ये जज्जी थे तो आप जज्जी को लगा झटका, जैसे हीटर स्टार्ट हुआ जज्जी भागते हुए वापस आए, हाय 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 हाय, बिल आ जाएगा बंद कर दो। मजा आता है हमसे जब गलती होती है, कैसे फ्रीक आउट होते हो तुम। एक्चुअली मेरे को था कि मैंने बंद रखा हुआ है, लेकिन मैंने रात को ऑन कर दिया होगा। ये शूज नहीं पहनने, चेंज दिस, जैसे ही फेंक दिए जाएंगे आज गीली हो जाएंगी सॉक्स, उधर ना पानी है। हाँ तो यू कांट वेयर दिस शूज, दीज आर ओनली मेंट फॉर क्लीनिंग स्नो, स्नो पड़ जाए रास्ते में साफ करनी पड़े। अच्छा नहीं, ये घर पे स्नो ब्लोअर के साथ डैडा है ना, डैडा कॉमेडियन बन सकते थे, स्टैंड अप कॉमेडियन बहुत चलते हैं आप, हम कहाँ के कहाँ पहुँच जाते। नहीं अब तो फिर लोगों को समझ थोड़ा मुश्किल से आती है, कोई नहीं आती, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज्यादा एग्जैजरेट करते नहीं, हो अभी नहीं आवाज ठीक, मेरे को पता चल रहा है, कुछ नहीं है, 90% तुम ठीक हो जाओ। डैडा हैज अ सेंसेशन बैक इन हिज टंग अ लिटिल बिट। हां चल आ जा फिर बैठ, गाड़ी में बैठने की जल्दबाजी जाती है, मम्मी के यहाँ पे जो सामान लेके जाना है वो भूल जाते हैं। ये कितनी सोनी गाड़ी धुली है यार, कल किसी ने धो दी ना गाड़ी, पता है। प्लैटिनम, अरे प्लैटिनम गोल्ड से भी ऊपर है। चलो चलो जी चले, ओ घोड़े वाले शूज देखे आपने, घोड़े वाले नहीं है, दीज आर पॉम पॉम, तुम्हें समझ नहीं आ सकता फैशन। गाइस हैप्पी हैलोवीन फॉर 2024 इन एडवांस। फिर से प्लांट देखने लग गई है नेहा बेटा, $3 भी तो डॉलर होते हैं, आ जाने यार रहने दे, लेट हो रहा है ना, फटाफट चलना है यार। अरे उठाने को थोड़ी बोला था, मन्ने का बर्थडे है तो भैया बर्थडे केक भी तो लेना पड़ेगा, उसी का जुगाड़ हो रहा है, केक तो उठा लो, केक वहीं रह गया, जल्दी आओ केक तो उठा लो। ये तो सही जल जाएगा, रख लेना, 63 पे भी काम आ जाएगा, जल जाएंगी वो फुल जड़ियां। ओ अच्छा अच्छा, कंजूसी की हद, कितना अच्छा किया, गाड़ी धुलेगी, हद होती है किसी बंदे की ना, कमिटमेंट की, उसने बोला धोनी है तो ये क्या हो रहा है, खटखट, सॉरी। हम रीयूज में बिलीव करते हैं, कल मेरी पैंट्री बन गई थी तो जो मेरे को नहीं चाहिए थी मैंने मम्मी से सलाह करी और मम्मी ने कहा मुझे दे दे वो बॉटल। ओके ओके, दरवाजा बंद हो गया, सो ये बॉटलें जो आज नेहा ने नहीं यूज करनी वो आ गई है इधर, दरवाजा बंद कर दो, चलो दरवाजा बंद कर दो, वेरी गुड, चाबी कहाँ है, हो गई बंद हो गई। वैन का यही सुख है कि दरवाजे अपने आप बंद कर लो, क्योंकि ना ये तो एक दिन दरवाजा, भाई साहब हम कहाँ गंदे दिन कितने घंटे घूम के आ गए, दरवाजा खुला हुआ था हमारा गाड़ी का, पापा ने पापा डॉलर अम्मा पूरा घूम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, वो कहाँ शर्ट नहीं पहनी वो वाली अपनी 84 वाली 34, तू हर वेले हैप्पी बर्थडे बोलता है ना, मैंने कहा अगले हफ्ते किसी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, वेरी लेट मम्मी, भुख नहीं लग रही सी अजे, फिर मैं जो भुख लगी भुख नहीं लग रही सी, ओ सीधा, वेरी गुड, दादी को भी आई टोल्ड यू, ओ तू केक खा गई ऑलरेडी यार, ये ऑलरेडी केक खा गई मम्मी, आ जाओ आप आओ आप, आज आपकी मम्मी, आपका सबसे बड़ा दिन है मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू, आपके लिए बोलता है मम्मी, मैं क्या इन्हें संभाल के रख लो, 63 पे भी काम आ जाएगा, मैं पहले पहुंच जाऊंगा 63 पे, साल साहब के रख लेने यार। Happy birthday to you. ओ फायर अलार्म ना बजे, चलो जल्दी करो, देखो तुम्हारा थोड़ी हो रहा है, ओ करो करो करो।
you could have bit his finger too. है ना, उधर कॉफी बन रही है, आपको तो पता है कॉफी के बिना तो केक अधूरा है। स्पून आ गए हैं, वाहेगुरु करें इस साल तेरे को थोड़ी अक्कल आए। दूध नाओ तो भलो, जल्दी जल्दी इसकी शादी होए। और आई होप मम्मी ये सच हो कि आज इस साल इसका आखिरी बैचलर बर्थडे हो। हाँ ये भी है, और आज से मनु वेजिटेरियन है। बिल्कुल अभी बिल्कुल आपके आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। आज तो वेजिटेरियन भी होना चाहिए ना। आज तो चलो प्रोग्राम कैंसिल कर है? नहीं अगले संडे से क्यों? नहीं होना है तो लगता है होएगा। जसमीत सिंह क्या केक लिया यार तूने, मजा ही आ गया। हर चीज जसमीत कैसे ले लेता, ये तो राबोलो संजोग है। अम्मी थैंक्स फॉर द कॉफी, ये तो ज्यादा कड़वी बन गई, थोड़ी थोड़ी बन गई बट अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है। सच्ची कड़वी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ इस तो लाइट नहीं हो सकती, इस तो लाइट कॉफी नहीं लगती। नहीं मैं तो नेहा नु तंग, मैं नेहा नु तंग करना से बोल रहा हूं। मेनू नहीं मजा आंदा जे सच्ची दसा लाइट कॉफी का। बहुत तगड़ी प्लानिंग हो रही है, बहुत देर हो गई है बैठे बैठे, 5 बज गए हैं यार। छोले भटूरे मनु जी खा के है, मेरा बड़ा मन है। ये मंदी नहीं ना, मैं की कर, ये सारी प्लानिंग हो रही है, पार्टी कहाँ करनी है, उसके बर्थडे की, फिर मेरे बर्थडे की। 5 बज गया, इतना लेट हो गया यार। चलो ठंड भी बहुत हो, बहुत ज्यादा लेट हो गई, बहुत लेट है, मत जाओ, ठंड बहुत है। ठंड कोई नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव वेदर है। वैसे संजय तू इस तरह का आलसी हो गया ना। मम्मी मैनू लगता है यार अपने टाइम ना करो, 6-7 बजे रोटी खाओ, 6 बजे 7 बजे अपने बेड में लेट जाओ। इतनी जल्दी लेट के की करो, आज फिर से खट्टा जा रहा। खट्टा जा रहा, पिछली बार खट्टा मीठा हो गया था। नहीं जमाया नहीं मैंने दही, और मम्मी कहती है हुन्ना लगाई हूँ, अगले हफ्ते आएंगी ताजा खट्टा लेके। चलो ओके भाई, चंगा जी, चलो शुक्र है टाइम से याद आ गया। ओ मेरी एनक रह गई, तेरी एनक, तेरा फोन किथे है पता ही नहीं है, तो बड़ा वेरी गुड क्वेश्चन। चलो चंगा जी भाई साहब, ठंड बहुत हो गई है एकदम, ये क्या हो रहा है, ये धुंध, ओहो बड़ी धुंध हो गई है यार, ये देखो हालत पूरा, देखो ऐसे क्लब धुंध हो गई है बड़ी। चलो जी, वी हैड फन, मजा आ गया, वेरी नाइस। चलो जी चलो, सो मच टू कैच अप इन लाइफ। एक हफ्ते में इतनी बातें इकट्ठी हो जाती हैं कि बस ना टाइम चाहिए होता है फिर से। ये हमेशा ऐसे करते हैं मम्मी पापा के घर में, हम जब भी आते हैं ना मैं वापस कल्ला जाता हूँ, आगे नहीं बैठती है, पीछे बैठ जाती है दोनों। फाइनली घर आ गए हैं, और ना शायद मैंने आपको बताया हुआ है हु इज माई न्यू फेवरेट, भाई करनैल सिंह जी, दरबार साहब में ड्यूटी हुई है आज ही, और इनका 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 अपना यूट्यूब चैनल है। जैसे कहीं भी कीर्तन करते हैं ना यूट्यूब पे अपने सीधा लाइव फीड आती है। अमेजिंग कीर्तन कभी सुन के देखा जे, इनके 2 शब्द मन बेचे सतगुर के पास, ते उस तो बाद दम दम सदा समाल दा दम न बिरथा जाए, इस शब्द की व्याख्या भी कभी बताऊंगा। अमेजिंग भाई करनैल सिंह जी। तो जी आके वापस अब हो रही है शाम की तैयारी सफर की, आज क्योंकि हम गए थे दोपहर को, एंड हमारा उस टाइम कोई विचार नहीं था कि हमें इतना लेट हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली हो गया लेट, कोई बात नहीं। आके हल्का फुल्का ही कार्यक्रम है, और वो है क्या हो गया जी, आप थोड़ा खोई खोई लग रहे हो। चाकू छोटा कहाँ गया, ये इतने सारे चाकू पड़े हैं। छोटा चाहिए, छोटा मेरा फेवरेट है, ये नहीं दूसरा, एक और जो तूने चोरी छिपे वाला, जो यही वाला, ये नहीं था वो, यही था वो, यही मिला है, यही था वो, तो फिर एक और मिसिंग है। कौन सा दूसरा? अब छोटी मोटी तैयारी हो रही है घर में डिनर की, जो है आर्या के लिए पास्ता नहीं बना पिछले 2 हफ्ते से कम, तो आज बन रहा है आर्या के लिए पास्ता, और हमारे लिए बन रही है खिचड़ी, मूंग मसर की खिचड़ी, मैंने बहुत बार पहले भी दिखाई हुई है। ऑफिस है ना, कल ऑफिस है, इवन दो वर्क फ्रॉम होम है, हम लेट नहीं हो सकते क्योंकि बच्ची की भी स्कूल है, और एज यूजुअल आपको पता ही है हम लेट नहीं हो सकते, चाहे वो वर्किंग डे है अगले दिन या नहीं है, हमने टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, टाइम से रोटी खानी है। जस जी अनार काटने में लगे हुए, आपसे थोड़ी गप्पे मारेंगे। मम्मी हंसती है मेरे पे जब मैं कहता हूँ मम्मी कल ऑफिस है, मम्मी कहती तू जाना है ऑफिस, मैं कह यार जाना या नहीं जाना, लेट नहीं होना मम्मी, मम्मी कहती है पार्टी, अब मन्नू की पार्टी है कब, कहता है अभी चलो, मैं क्या अभी नहीं जाना कल ऑफिस है, मैं क्या हम जाएंगे किसी दिन जिस दिन अगले दिन छुट्टी हो, अब आज संडे को था उसका बर्थडे,
मेरे को मेरी टेंशन हो गई है, ये लोग कहते हैं मेरा बर्थडे मंडे को है और मंडे शाम को जाएंगे पार्टी करने, टेंशन क्या हो गई और मंगलवार को वर्किंग है। मैं वर्किंग डे जब अगले दिन होता है ना, आई एम लाइक अ पायलट, पायलट होता है ना जो इतने दिन इतने घंटे पहले सोएगा ही सोएगा, हाँ, उसने उड़ान भरनी होती है। आपने क्या करना होता है, घर पे वर्क फ्रॉम होम, ऊपर से नीचे उड़ान है आपकी, सिर्फ यही तक सफर है हमारा। मेंटल एक मेंटल पीस, एक प्रेशर सा माइंड पे रहता है। कोई प्रेशर नहीं है, हम पास वाले होटल में जाएंगे और बताओ। ओके ठीक है। पावन रखते तेरे भगत रसाले, और किते गावन से मैं चितना आवन, नानक कहा बिचारे सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करतारा, सबे रन को आज संगरिया, पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अग ना त्याऊं। भाइयों बहनों रोटी में आज सिर्फ दही है। नहीं जी नहीं, ऐसे कैसे नेहा जी के होते, ऐसा हो सकता है? ये देखो ये नहीं, ये खिचड़ी है, खिचड़ी भाई साहब, ये देखो नजारा, आ हा हा, आ गया ना नजारा, नजारा मेरे भी आ गया, आइए का भी नजारा आ गया, पास्ते का देख लो, ओहो हो, ये एक्स्ट्रा सॉस डाल के पास्ता खाती है, बहुत स्वाद है मम्मा। अरे हमारा ये हमारा लेफ्ट ओवर पालक पनीर है कल का, डैडा ने ऐसा खिचड़ी खाई बीमार होने में, उसके बाद खाई नहीं कितने, खिचड़ी तो सदियों होगी खाए, बनाती बनाती नहीं है खिचड़ी, क्या क्या थक जाऊँ मैं, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। आपकी तो आपकी डिमांड तो बहुत ही छोटी है, तो मैं बना सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो जी आगे हमारे पालक पनीर, दही एंड खिचड़ी, मेरी फेवरेट है खिचड़ी, करारी करारी खिचड़ी बनी है, और कोई एंड टाइम पे पूरी लपेट गया यार, कम बनी है तूने, मैं फिर फ्रेश बना दूंगी एक दो दिन में, लेकिन ऐसा ना कहो कि दो दो दिन तक खा रहे हो, वो बासा हो जाती है, दो महीने बाद कहाँ से बन गई। इनारिया ने भी अपनी रोटी खा लिया, पास्ता लास्ट बिट्स चल रहे हैं। गाइस दही जम गई है, जस जी अब खा रहे हैं, वो जम तो गई है यार, अभी मेरे को लगता है फ्रिज में रख दे। हाँ रख रही हूँ, खा के तो देखो, बहुत स्वाद है, हैं? बहुत स्वाद, वाह। मैं सच्ची बताऊँ, मैंने इसमें लपेट के रख दी, रब की दया से सुबह मैंने जब निकाला ना, देख कोसी कोसी अच्छी थी, तो मैं ना बस आई वॉज वेटिंग फॉर यू टू टेस्ट कि सब ठीक है ना, भूल गया था। नहीं यार मैं ना मैं जैसे पतीला देखा दूध वाला, मैंने कहा यार दही निकालो, बहुत स्वाद, शुक्र है। अब इसको फ्रिज में रखते हैं और खाएंगे, रब की दया से हमारा ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, भर के खाएंगे, अब भर भर के खाएंगे। सो जी नेक्स्ट डे दही का आप टेस्ट हो रहा है खाने के साथ, कैसे चक चक जमा आइया, डिड यू सी, ये देखो गाइस मजा आ गया यार, नहीं आइया घर का दही है, खा के देखेगा, इट्स लाइक आइसक्रीम, कितना ज्यादा चक चक जमा है, मजा आ गया। तो जी आपने देखा ही था कि पहली बार मैंने इन डाल के दिया था, अब कस्टमर वापस आ गया है हमारे, हमारी दुकान की दही इनको बहुत पसंद आई है जी, ये देखो ये तो खत्म हो गई, ये दीवाने हो गए मेरे दही के, दीवाने दीवाने परवाने, ये आराम में मस्ताने, मैंने तो एक ही बार खाई थी, बट इन्होंने तो भैया ये फैन, ये फैन हो गया जी, फैन साढ़े दही दी।